गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग्स के जो हमें उद्देश्य हैं वो डिस्कस करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, देखिए उद्देश्य हम जब व्यापार की हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें उनको स्टडी करना होता है ना। मार्केटिंग के लिए अलग, और उसके बाद प्रोडक्शन के लिए अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उद्देश्य हम सेट करके क्या करते हैं, एक बिज़नेस के लिए प्लानिंग करते हैं, और फिर उसकी ओवरऑल जो भी हमारी प्लानिंग होती है, तो हम पूरे उद्देश्य के बिना कोई काम नहीं करते। हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि हमें हमारे बिज़नेस को किस पोजीशन पर लेकर जाना है, हमें क्या क्या कस्टमर को करना प्रोवाइड करानी है, चीज़ क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, कस्टमर हमारा ब्रांड लॉयल होना चाहिए, एक्स वाई जेड बहुत सारे हमारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य जो हैं हमें उनको स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, हम उन्हें क्यों स्टडी करते हैं, या हम हमारे बिज़नेस में उनको क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वजह है। तो वजह यही है कि अगर हमें हमारी फाइनेंशियल पोजिशन हमारे बिज़नेस की नहीं पता होगी तो हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आज की डेट में हमने सपोज हमारे एक छोटे से बिज़नेस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है तो अगले साल वो 1 लाख हमारे 2 होंगे कि नहीं होंगे, कि पता चला 50,000 आए हैं हमारे हाथ में। तो इन चीज़ों के लिए हमें उद्देश्य को जो है डिस्कस करना, पढ़ना भी ज़रूरी है, और हमारे बिज़नेस में भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपका स्मॉल बिज़नेस है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो आता है आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड यानी कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, वही बात आती है। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं या हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम बिना मुनाफे के बिना पैसे की बात नहीं करते हैं। बिज़नेस में हमेशा पैसा ही हम देखते हैं कि हमारा पैसा डबल होना चाहिए। तो डबल कैसे होना चाहिए, हम एक एक चीज़ का रिकॉर्ड लिखेंगे। हमें 1 रुपये का भी अगर फ़ायदा हुआ है तो वो भी हम बिज़नेस में लिखेंगे, 1 रुपये का नुकसान अगर हुआ है तो वो भी हम लिखेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट सही है। हमने अगर किसी को हमारा एक सामान इधर से इधर ले जाने के लिए अगर हमने उसको भाड़ा दिया है तो भी हम वो चीज़ लिखेंगे। पर डे का अगर हमने लेबर को चार्ज दिया है वो भी लिखेंगे। अगर हमने बिज़नेस में अगर 5 रुपये की चाय भी किसी को पिलाई है तो वो भी हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। मतलब ओवरऑल छोटे से लेके बड़े ट्रांजैक्शन, आपने एक मशीन खरीदी है जो कि जिसकी कीमत 1 करोड़, वो भी आप लिखेंगे। मतलब हर चीज़ आपको उसमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है उस रिकॉर्ड को ना। पूरा स्टार्टिंग में डेट वाइज होता है, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं और उसको कहाँ पोस्ट करते हैं, लेज़र में। फिर हम उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग बनता है। फिर सेकंड में आपका आता है डिटरमाइनिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। वो लिखने का कारण क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलेगा ना कि कितना प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ जो है हमें हमारे खर्चे कम करने चाहिए। देखिए बिज़नेस में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज़ ये होती है कि हमारे जो रेवेन्यू या इनकम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, एक्सपेंसेस। आपके खर्चे कम होना चाहिए, आपके इनकम एंड रेवेन्यूज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम और रेवेन्यू ज़्यादा होगी तो आपके बिज़नेस में मुनाफा होगा। आपके एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि आपने दूसरे असेट्स उसके लिए सेल कर दिए हैं, मतलब आप घाटे में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो हम P&L बनाते हैं इसकी वजह यही होती है कि हमें हमारी पोजीशन का जो है पता होना चाहिए। फिर वो हम पता करने के लिए डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो P&L के बाद हमें पता चलती है कि जब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट यानी कि क्या, हमारे ईयर एंड में हमारे बिज़नेस पोजीशन को पता करने के लिए ये चीज़ हमें बनाना ही है। हमें पता तभी चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब हमारी जो फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट है, इससे हमें हमारे असेट्स वगैरह पता चलेंगे। और एक और चीज़ ये है कि हमारे असेट्स जो होते हैं ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। हमारी संपत्ति, असेट्स यानी कि संपत्ति होती है। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली की हम बात करते हैं, उनका अच्छा घर है, वो उस घर में रह रहे हैं, बढ़िया। एक घर उन्होंने किराए पर दे रखा है, कुछ दुकानें हैं उनकी, वो भी उन्होंने किराए पर दे रखी हैं, ठीक है। उनका कोई सी खेत की ज़मीन है,
वो उन्होंने या तो बट्टे पे दे रखी है या उस खेत की ज़मीन से भी उनको इनकम हो रही है, वहाँ खेती बाड़ी वगैरह चल रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं उनकी जो उन्होंने रेंट पर क्या कर रखी हैं, फ्लैट्स वगैरह किसी को दे रखे हैं, ठीक है। और उनका खुद का भी जो बिज़नेस है वो भी चल रहा है। तो मतलब बात ये समझ में आ रही है कि उनके पास अच्छी जायदाद संपत्ति है, ठीक है। तो वो संपत्ति की वजह से हम उनको क्या कह रहे हैं कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या फिर इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है। एक जनरल जो हम आपस में हम लोग बात करते हैं, जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है आपस जनरल लोगों की बात करने की, वो यही होती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अपन को दिख रहा है ना कि उनके हर तरफ से इनकम हो रही है। इसी तरह बिज़नेस में होता है कि असेट्स हमारे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे बिज़नेस में इतने खर्चे करने पड़ना है कि हमने हमारी एक आध इनकम जो हमारी ज़मीन है वही उठा के बेच दिए, तो आप घाटे में जा रहे हैं। अगर आप एक ज़मीन से दो ज़मीन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप घाटे में जा रहे हैं। तो बात यही है कि हमें हमारे असेट्स जो हैं हमेशा उनका ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम फालतू करके खर्चे इतने कर रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ें बेच के वो खर्चा पूरा करना पड़ रहा है, नहीं। हमेशा हमारी इनकम और हमारे रेवेन्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में। और इसके अलावा क्या पॉइंट रहता है, और इसके अलावा ये कि जो आप एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं तो कोशिश करें जहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सपोज़ आपका मेल पे ही काम हो रहा है या कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर छोटी चीज़ का एक प्रिंट आउट लें। देखिए इससे नुकसान क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, सेकेंड है आपके कंप्यूटर का टोनर जिससे प्रिंट निकलता है, ठीक है। थर्ड है वेस्टेज ऑफ पेपर। तो जो काम ज़रूरी नहीं है अननेसेसरीली आपको क्या ज़रूरत है कि हर चीज़ का प्रिंट निकालें। लेकिन हाँ, जो काम हो सकता है या देखिए जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन कहीं पर अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, जिस पे हमें सामने वाले के साइन भी लेना है, कोई एग्रीमेंट भी है, तो उस चीज़ की गलती नहीं करना चाहिए हमें कि हम उसे ऑन कंप्यूटर ही कर दें। वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ सिग्नेचर सील वगैरह उनके बिज़नेस के आपके बिज़नेस के अगर लगना ज़रूरी है तो वो ऑन पेपर ही होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे इंटरनल कोई वर्किंग चल रही है जिसमें हम एक से दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो मेल के थ्रू कर सकते हैं, तो वहाँ हमें ये वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। इससे कॉस्ट कटिंग होगी और उससे पैसा जो बचेगा वो हमारे बिज़नेस में काम आएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ये पूरा करने के बाद जो बैलेंस शीट में हमने हमारे बिज़नेस की पोजिशन देख ली, फ़ायदे में घाटे में, वो देखने के बाद हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट ईयर की डिसीजन मेकिंग आपके उस फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही होगी कि अब हमें कहाँ कितना क्या इन्वेस्टमेंट करना है। आपके जो यूज़र हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अब आप जो डिसीजन लेंगे उस बजट को लेकर और जो भी आपके यूज़र हैं उनके साथ मिलकर अगर आप मीटिंग करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो आप उन्हें बताएंगे ना कि भाई बजट इस बार का ये है, इतने में ही करना है हमें। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को भी बताएंगे कि मार्केटिंग का बजट यही रहेगा, इतने में आपको गुजारा करना है, या इस बार अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आप थोड़ा अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा अगर खर्चा बढ़ता है तो इट्स ओके, आप ये उनको कर सकते हैं। प्रोडक्शन में मान लीजिए कहीं आपको लग रहा है वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को कहेंगे कि इस जगह से आप कॉस्ट कटिंग करें, यहाँ पैसा बचाने की ज़रूरत करें कि यहाँ थोड़ा बहुत वेस्टेज हुआ है तो आइंदा से ध्यान रखें। या प्रोडक्शन के आपको जो यूनिट है, जो आपके आउटपुट हैं वो बढ़ाने हैं तो उनके लिए भी आप उनको बोलेंगे। मतलब कुल मिला के जो आपके यूज़र्स हैं और वो आप लोग डिसीजन लेंगे उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी भी वीडियोस में शेयर करूँगी। तो डिसीजन मेकिंग होता है, एक तो होता है आपका प्रोग्राम्ड, ठीक है, एंड एक और होता है नॉन प्रोग्राम। नॉन प्रोग्राम वो वाले डिसीजन होते हैं जो अचानक से हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम में क्या चीज़ होती है कि हमें जो डिसीजन लेना है, हमें पता है कि अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हमारी इनकम होनी चाहिए, ओवरऑल हमें सारी चीज़ें पता है और हम बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहते हैं। बिजनेस में हम कोई भी डिसीजन है जो बहुत ज़्यादा सोच के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो होता है एक प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है। इसके लिए आप अचानक से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने पहले से सोचा है, आपकी पूरी प्लानिंग है कि हमें ये काम करना है, दैट इज़ प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो वो आपके यूज़र्स तब लेते हैं जब हमारा फाइनल जो हमारा बैलेंस शीट है या जो फाइनल हमें पता चल जाता है कि अभी क्या पोजीशन हमारे बिज़नेस की चल रही है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो होगा आपका प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट।
मैंने अभी एसेट को लेकर ही आपको चीज़ समझाई थी कि एक से दो होना चाहिए, दो से चार होना चाहिए, ना कि चार से एक पे आ जाएं हम या चार से तीन हो जाए। तो हमें हमारे जो बिज़नेस असेट्स होते हैं, हमारे बिज़नेस की मशीनरी है, हमने जो प्लांट डाले हैं या कोई सी हमने गाड़ी ली है हमारे बिज़नेस के काम के लिए, तो वो चीज़ों का हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़ असेट्स में ये होता है कि सपोज़ आपने आपके प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक कोई सी मशीनरी ली है जिसकी प्राइस आपको पड़ रही है 1 करोड़, आपने 1 करोड़ की मशीन ली है, तो उसके लिए जो आपने इंजीनियर्स या जो भी लेबर वगैरह उस पर काम के लिए लगाए हैं, तो मेक श्योर कि उनको उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि आपने इतनी महंगा एक्सपेंसेस करा है अपने बिज़नेस में, इतना महंगा एक असेट लिया है आपने अपने बिज़नेस के लिए, और अगर आपको किसी ऐसे इंसान से चलवाएंगे या ऐसे ह्यूमन रिसोर्स आप उस पर लगाएंगे जिन्हें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो मशीन बार बार ख़राब होगी, आपका बार बार खर्चा आएगा, और वो मशीन अगर ख़राब हो गई तो आपका तो बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बात यह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग आप दें उस मशीन को चलाने के लिए, जो भी ह्यूमन्स आपने उस पर क्या कर रखे हैं, लगाए हैं, मैन मटेरियल मशीन ये वाली चीज़ होती है, तो आप उस मशीन पर ऐसे मैन को इस्तेमाल करें जो प्रॉपर उसके लिए ट्रेंड हो, तो आपकी मशीन अच्छी चलेगी, उसकी देखभाल भी होगी, और जो आपका वो एक असेट है वो एक प्रोटेक्टेड हाथ में है, मतलब उसमें आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब असेट्स की भी देखभाल करना, ये तो मैंने एक मशीन का एग्जांपल दिया है, इसी तरह आपके जो प्लांट्स हैं या आपके जो और भी दूसरे असेट्स हैं उनकी देखभाल करते हुए आपको चलना है। वही बात आती है कि आपका इनकम बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उन्हीं चीज़ों पे इतने खर्चे कर चुके हैं कि हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये जो पूरे थे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के, अब इसमें जो भी डाउट हो या इनके अलावा जो भी आपको टॉपिक चाहते हैं यहाँ कि जिसकी वीडियोज़ मैं आपको शेयर करूँ, आपको उससे अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।